MDF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत तेजी से मार्केट में अपने पैर पसार रहा है। काफी जगहों पर ये नॉर्मल प्लाई की जगह भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लेकिन ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस किस जगह पर करना चाहिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आपको इसके फायदे और नुकसान पता हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि MDF बोर्ड होता क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है, इसका प्राइस क्या होता है, पानी के प्रति इसका क्या व्यवहार रहता है, और इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, और आखिर में बात करेंगे कि इसको कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम इन 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल यह है कि घरों के कमरों के दरवाजों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 इंच, ऑप्शन बी 25 इंच, ऑप्शन सी 36 इंच, या फिर ऑप्शन डी 50 इंच। अगर सही जवाब आता है तो नीचे कमेंट करें, और अगर नहीं आता तो वीडियो के आखिर में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते अपने वीडियो की तरफ। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MDF होता क्या है। MDF एक तरह का इंजीनियर्ड वुड है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कभी भी किसी भी पेड़ को सीधे सीधे काट कर नहीं लाया जा सकता। असल में वुड के यानी लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, हम हिंदी में उसको बुरादा भी कह देते हैं, तो लकड़ी का बुरादा, गोंद और कुछ केमिकल्स को आपस में मिक्स किया जाता है, उनको एक हाइड्रोलिक में डालकर दबाया जाता है और MDF की लंबी लंबी शीटें तैयार कर ली जाती हैं, और ऐसे बनता है आपका MDF बोर्ड। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसको लगवाने का सबसे जो बड़ा फायदा आपको मिलता है वो ये है कि इसको किसी भी शेप में काटना बेहद आसान रहता है। यही रीजन है कि इसको आजकल डेकोरेशन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी डेंसिटी काफी अच्छी होती है, जिस वजह से बहुत आसानी से कट जाता है, और लकड़ी की प्लाई के मुकाबले इसमें रेशे नहीं होते, तो ये किसी भी डायरेक्शन में काटा जा सकता है। हाँ, लेकिन इसको इंस्टॉल कराते हुए एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको कभी भी नॉर्मल आरी से मत कटवाइए जो आपके कारपेंटर के पास होती है, जिसका इस्तेमाल वो लकड़ी काटने के लिए करता है। इसके लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कटिंग मशीन आती है जो ज्यादा महंगी नहीं होती, 2 से 3 हजार रुपए की आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ उसका इस्तेमाल करिए इसको काटने के लिए। आरी से काटने पर फिनिशिंग नहीं आएगी और ये साइड से थोड़ा थोड़ा टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन का एक फायदा ये भी है कि इसका जो सरफेस है यानी इसकी जो सतह है वो बिल्कुल स्मूथ यानी प्लेन और साफ होती है। इस वजह से आप इसको सीधे सीधे लगाकर इसके ऊपर सीधे पेंट मार सकते हैं, आपको और कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिनिशिंग कमाल की आएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार आप सबको बेसब्री से था, वो है इसके प्राइस की यानी कीमत की। तो आज की तारीख में यानी 14 मार्च 2022 को दिल्ली में एक नॉर्मल प्लाई जो 18 mm की है, नॉर्मल क्वालिटी की है, उसका प्राइस चल रहा है 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वही एक नॉर्मल MDF जिसकी मोटाई 18 mm ही है, उसका प्राइस चल रहा है 48 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों की कीमत में कितना ज्यादा अंतर है और आपको कितने ज्यादा पैसों का फायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि पानी के प्रति इस MDF बोर्ड का व्यवहार क्या रहता है। वैसे तो पानी हर लकड़ी को खराब कर सकता है, लेकिन MDF बोर्ड से पानी की दुश्मनी थोड़ी ज्यादा ही है। ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, यानी आप इस पर पानी गिरा देंगे तो बहुत आसानी से उसको सोख लेगा और फिर धीरे धीरे मसाला बन के गिरने लगेगा। इसलिए पानी से इसको बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहिए। अब इस वजह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि बाथरूम और किचन जैसी जगह जहाँ पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां से MDF बोर्ड का बहुत दूर रखिए। पानी वाले स्रोत के आसपास भी ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, भले ही सूखी जगह पर करें, तो वहां लैमिनेट शीट इसके ऊपर जरूर लगवाएं और अच्छे से हर तरफ से ये सील कर दें। ऐसे करते हुए अपने कारपेंटर पर नजर रखें और ध्यान रखें कि वो इसके जो सील है वो अच्छे से कर रहा है और पानी अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। आखिर में आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप समुद्र के किनारे या कोई ऐसी जगह नहीं रहते जहां ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हवा में बहुत ज्यादा होता है। ऐसा करने से अगर आप MDF बोर्ड को पानी से दूर भी रखेंगे तो भी इसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि आप हिंदुस्तान के नॉर्थ एरिया में जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर रहते हैं तो यहाँ गर्मी काफी सूखी होती है और आपको इस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए,
फिर आप MDF को लगभग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी तक 6 में से 4 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक की वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगी तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बातें करते रहते हैं इस चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं अपने 5वें बिंदु की, जो है स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की। MDF नॉर्मल किलो को होल्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल के लिए आप मारेंगे वो आसानी से निकल जाएंगी, लेकिन ये कहना गलत है कि नॉर्मल स्क्रूज को भी होल्ड नहीं कर सकता। असल में नॉर्मल स्क्रूज जो गलत तरीके से लगाए जाते हैं वो MDF में नहीं चल पाते। अब नॉर्मल प्लाई में क्या करते हैं कारपेंटर, स्क्रू को थोड़ा सा ठोकते हैं, उसके बाद नॉर्मल पेचकस से उसको वहीं कस देते हैं। ये तरीका MDF बोर्ड में नहीं चलता। अगर आप MDF इंस्टॉल करवा रहे हैं तो अपने कारपेंटर को कह दीजिए कि वो पहले स्क्रू कैप नाम की चीज लगाए, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसके बाद वो स्क्रू लगाए। अगर सही तरीका से स्क्रू लगाया जाए तो आपको MDF बोर्ड में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सालों साल चलता रहेगा। अब हम अपने 6ठे और आखिरी बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो है कि इसको कहाँ कहाँ लगवाना चाहिए। आप इसको अपने कमरों के अंदर शेल्फ, कैबिनेट्स, अलमीरा जैसी जगहों पर लगवा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इसके स्क्रूज कैसे लगवाने चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के डिजाइनिंग जो इंटीरियर वाले यूज करते हैं वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। MDF जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी शेप में काटा जा सकता है, तो ये हर डिजाइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 3 जगह है जहां आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पहला, बाथरूम और किचन से इसको बिल्कुल दूर रखें, जैसे मैंने बताया पानी से ये एकदम खराब हो जाएगा। दूसरा, हैवी फर्नीचर जैसे बेड या सोफे में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं होता कि आपका वजन संभाल ले। तीसरा, इसको खिड़की या दरवाजे बनाने के लिए प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ये दोबारा इतना मजबूत तो नहीं होता और दरवाजे और खिड़कियों पे पानी लग सकता है, ये खराब हो भी सकता है पानी से। तो ये था MDF का पूरा ज्ञान, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उनका जवाब वहीं जरूर दूंगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल ये था कि घरों में कमरों के जो दरवाजे हैं उनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन थे 20 इंच, 25 इंच, 36 इंच या 50 इंच। इसका सही जवाब है 36 इंच। इसकी रेंज 36 से 40 इंच के बीच होनी चाहिए, यानी 3 से 3.25 फीट। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इतना दरवाजा भी नहीं देंगे तो कोई भी चीज जो कमरे के अंदर आनी होगी, जैसे सोफा या आपका बेड, वो नहीं आ पाएगा। और अगर आप इससे ज्यादा दे देते हैं तो आप बेकार में जगह का वेस्टेज करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा।